कितने मंत्री पद का गुप्नीयता का लेंगे शपथ किनको किनको लेना है ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तीन बार वो भी प्रधानमंत्री हुए थे मैं नहीं समझता हूँ जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू का सवाल है बहुत खुले दिल से मिल रहे हैं हमारी भी बातें हुई है होती रही है देखिए बैठकों का दौर तो चल ही रही है और आज सभी नेताओं से मिल रहे हैं कल भी मिले हैं जे पी नड्डा साहब और ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने दावा पेश कर ही दिया है तो स्वाभाविक है आपस में बैठकर के मंथन चल रहा होगा कि भाई मंत्री कितने बनेंगे किन को मंत्री बनाना है किन को क्या विभाग देना है ये तो उन लोगों की बात है हाईअरअप्स में चल रहा है उस कमेटी में या उस कोर ग्रुप में हम नहीं हैं और जाहिर सी बात है कि कल सात बज के पंद्रह मिनट में वो होना है प्रधानमंत्री जी का और उनके मंत्रिपरिषद के लोगों का तो ये सारी बातें तो स्पष्ट है कि वो होना है लेकिन कितने मंत्री पद का गुप्नीयता का लेंगे शपथ किनको किनको लेना है ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है ठीक है सर प्रधानमंत्री मतलब इंडिया का एक नया नाम है वो ऐसा हो, इंडिया होगा क्या कहते हैं कि जो एनडीए का गठबंधन वाली सरकार आने वाली है कितनी मजबूत रहेगी और कितना आगे तक जा पाएगी देखिए सुगम रास्ता पर अगर आदमी चलता है और चलते रहता है काफ़ी दूरी तय कर लेता है तो वो अगर कहे कि हम बहुत दूरी तय कर लिया तो उसकी खासियत नहीं है खासीयत उस राही का है जो तो दुर्गम रास्ता पर चलता है और सर समय अपना गंतव्य स्थान पर चल जाता है तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार लेंगे लगातार प्रधानमंत्री का पद तो वैसा ही है आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तीन बार वो भी प्रधानमंत्री हुए थे और उसके बासठ साल बाद ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है इस बासठ साल में हिंदुस्तान में कितनी राजनीतिक परिपक्वताएँ आई कितनी कॉम्प्लिकेशन्स आए क्या क्या यहाँ का वातावरण बना सभी वातावरण और विरोधाभास स्थिति में भी रह करके गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कि चूँकि आज लोग कहते हैं कि इनको अपनी पार्टी को बहुमत नहीं है लेकिन इसके पहले दो टर्न तो उनको अपने पार्टी की बहुमत थी उसके बाद भी गठबंधन के लोगों को उचित सम्मान और विभाग दे करके काम चलाए हैं और इस बार भी वो चलाएंगे जिसका संकल्प कर दोहराया है और इसमें तो हम ये कहना चाहते हैं कि नरसिम्हा राव भी यहाँ चलाए थे गठबंधन की सरकार और उनकी अल्पमत की सरकार थी आज इनकी अल्पमत की सरकार नहीं है अब तो ये तीन सौ दो या तीन सौ तीन के आंकड़ा पर पहुँच गए हैं तो इनकी तो बहुमत की सरकार है इसीलिए भारत को दो में शताब्दी वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में संसार का प्रथम अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी आज तैयार हुए हैं तो जाहिर तन कड़ी मेहनत की बात होगी सबका सहयोग लेकर के चलना होगा सबको विश्वास में लेकर चलना होगा इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमको बेहतर भारत को बनाने का संकल्प हम दोहराते हैं मैं नहीं समझता हूँ जहाँ तक चंद्र बाबू नायडू का सवाल है बहुत खुले दिल से वो मिल रहे हैं हमारी भी बातें हुई है होती रही है तो चंद्र बाबू नायडू की तरफ से किसी प्रकार की बात नहीं आने वाली है जहाँ तक रही बात हमारे बिहार के जनता दल यूनाइटेड का तो जनता दल यूनाइटेड में भी 12 एम पी आए हैं और उसका नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं माननीय नीतीश कुमार भी आज नहीं जब चुनाव में भी थे तो हर जगह ये दोहराते थे कि हम एन के साथ हैं एन के साथ रहेंगे कहीं इधर उधर हम लोग नहीं जाएंगे कल भी उन्होंने यही भाषण दिया तो अपने बात को वो लोग बार बार दोहरा रहे हैं तो फिर इस पर अविश्वास का कहाँ सवाल बनता है वो चंद्र नायडू और नीतीश कुमार जी एन के साथ मजबूत साथी के रूप में और कहिए कि एन के कर्णधार के रूप में दोनों रहेंगे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और हमारा एन अगला पाँच साल तक बहुत अच्छा से चलेगा और बहुत नयाब तरीके से भारत का विकास करेगा ताकि बिहार भारत जो आज पाँचवीं अर्थव्यवस्था में है इस पाँच वर्ष में कम से कम तीसरी अर्थव्यवस्था में संसार का भारत हो जाएगा इस संकल्प के साथ लोग चल रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई दगाबाजी करता है तो उसको हिंदुस्तान की जनता भारत की जनता माफ़ नहीं करेगी ये बात सब लोग समझते हैं और सब लोग खुले दिल से भारत का विकास के लिए आज आए हैं तो वैसी परिस्थिति में इफ बट का कोई सवाल ही नहीं उठता है